दिल्ली में कानून के दो रखवाले आपस में इस कदर भिड़ चुके हैं कि जंग लहूलुहान हालत में सड़क पर लड़ी जा रही है। दिल्ली की दो कोर्ट में पुलिस वालों और वकीलों के बीच भिड़ंत का असर आज ये रहा कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खाकी वालों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जवान हाथों में काली पट्टी बांधे पहुंच रहे हैं और पिटाई को लेकर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान पुलिस कमिश्नर से मिलने पर अड़े हैं ताकि अपनी बात कह सकें। एक दिन पहले साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने पुलिस के जवान को धुन दिया था। कई और अदालतों में पुलिस वकीलों में तनातनी देखी गई। मसला शुरू हुआ था 30,000 कोर्ट से, जहां पार्किंग को लेकर पुलिस की सख्ती के बाद वकील बेकाबू हो गए थे। गोली चली, गाड़ियां जली और अब आलम यह है कि सबकी रक्षा करने वाली पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर है। क्या अभी तक कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से इस मामले पर कोई कमेंट सामने आया है या कोई अश्योरेंस सामने आया है? अभी तक कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा कोई इस मामले पर कमेंट सामने आया है? देखिए, कानून को जो है इन लोगों ने ताक पे रखा। अगर वकील ही जो है वो इस किस्म से करेंगे, हमारी डिमांड ये है कि जितने भी वकील जिनकी वीडियो बनी है इन सब की वकालत का जो है वो रद्द होना चाहिए लाइसेंस, इनको सजा दी जानी चाहिए और हमारे जो अधिकारी, हमारे जो स्टाफ के जो लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। लोगों की सुरक्षा करने वाले आज अपनी सुरक्षा के लिए बाहर आए हैं, डिमांड्स क्या क्या है सर ये बताइए? हमारी डिमांड यही है, जो भी हमारे सस्पेंड किए गए उनको बहाल किया जाए और जो हमारे साथ हुए हैं उनके खिलाफ भी FIR की जाए और उनको जो कोर्ट उनके वकील हैं उनका बाहर से लाइसेंस कैंसिल किया जाए। उनका जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो कैंसिल होना चाहिए। हाई कोर्ट ने एक तरफा ऑर्डर दिया है, क्यों वकीलों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्यों वकीलों पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? पुलिस पे कार्रवाई होगी, वो यूनियन बना के रखेंगे। कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे? ये कब तक आपका प्रोटेस्ट चलेगा? जब से समथिंग इन दिस एनी कोर्ट ऑफ लॉ एनी एडवोकेट इज नॉट सपोज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल एंड सो फार एज द एडवोकेट इज कंसर्न पुलिस द एडवोकेट इज कंसर्न वकील को बिल्कुल भी ये अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है कि किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाए और ये कहे कि कोर्ट को बंद रखा जाएगा। कोर्ट किसी के बाप की नहीं है कोर्ट की, और इसलिए जब तक ये आंदोलन नहीं है वी वांट लिबर्टी और अंटिल वी गेट डेट हमें पूरी तरीके से न्याय चाहिए और अमित शाह इस बात को सोच ले और समझ ले। सर क्या डिमांड्स है? डिमांड्स बताइए, क्या रीजन है प्रोटेस्ट का? प्लीज, जब एक रेड लाइट जंप करता है एक आदमी, उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए, रेड लाइट जंप करने से 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। एक वकील जब बावर्ती पुलिस वालों को पीटता है उसका लाइसेंस क्यों सस्पेंड नहीं किया जाता?